हिम्मत से ही बेटर करते हैं कि हम इस बात को रखें। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये कोई चुनावी प्रचार नहीं, ना ही कोई चुनावी रैली है। ये अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा को लोग दर्शा रहे हैं। पहले इससे, आज से कई साल, 15-10 साल पहले हम लोग जीत रहे हैं, लेकिन हमारी जो संस्कृति थी वो हम लोग छोड़ के जी रहे थे। जैसे एक होता है ना, शरीर में जान नहीं होने के कारण शरीर लाचार बीमार होता है, उसी प्रकार हमारा जो कल्चर के बगैर, हमारी जो विशेष वर्ग के लोग हैं, हमारी जो समाज थी, उसी प्रकार जी रहे थे बगैर अपनी परंपरा के। औरों की परंपरा अपनाते थे, महंगा महंगा खर्च होता था। देखिए हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, छोटा सा खर्च में पूरा धूमधाम से पूरा लोग खुशी उल्लास के साथ मनाते, तो अपनी अपनी होती है। उस दिन के पेपर कटिंग में तो ये भी लिखा था, जब धनबाद में 31 दिसंबर को प्रोग्राम हुआ था, कि सुबह हुआ गर्व और शाम को लगा शर्म। देखिए अपनी संस्कृति पे लोग गर्व करते हैं और शाम को कुछ कार्यक्रम हुआ होगा भैया, उसी पे लोग शर्म की बात, तो वही होता है। हमारी संस्कृति पे हम गर्व करते हैं और बाहरी संस्कृति पे लोग शर्म करते हैं, यही फर्क है हमारी संस्कृति में और लोगों की संस्कृति। दादा ये टुसु पर्व क्यों मनाया जाता है, कुछ थोड़ा बताएंगे दादा? देखिए हमारे समाज में टुसु पर्व का बहुत बड़ा महान है, कि हम लोग का जो समान है, टुसु का मतलब हम लोग को जहाँ तक जानकारी, इसको धान से ही किया जाता, धान कृषि, ये कृषि समाज के लोग टुसु मनाते हैं और धान को अपना बेटी मानते हैं। जब हम लोग धान को काट के घर लाते हैं, यानी बेटी को घर लाते हैं, तो लगभग 15 दिन या महीने दिन का होता है, तो तरह तरह के पकवान, गीत और रस्म रिवाज करके हम बेटी लोग को पूजा करते हैं। और जो आखिरी दिन होता है मकर के दिन, हम लोग टुसु का विसर्जन कर देते हैं बेटी के रूप में। हम लोग इसको घर के साइड में रखते हैं बेटी के स्वरूप में, और इनको, क्योंकि घर में जब बेटी आती है तो खुशियाँ होती है, जब बेटी विदा होती है तो दुख ही दुख होता है। उसी प्रकार किसान की जो बेटी होती है, टुसु होती है, धान होती है। और कहा भी जाता है कृषि समाज में कि धान की उपज पानी से होती है, हम लोग लास्ट में इसे पानी में ही विसर्जन कर देते हैं। बताइए टुसु पर्व का न्यू युवा को क्या संदेश देंगे आप? देखिए युवा आजकल के डिजिटल दौर में अपनी पुरानी संस्कृति को लोग भूल जा रहे हैं दादा, सही बात है। हम लोग देखिए डिजिटल तो बहुत हो जा रहे हैं, इससे पहले हम लोग अपना कल्चर मनाने में लोगों को थोड़ा शर्म आता था, जो कि सच्चाई है। लेकिन आप देखिए जो आंदोलन हुआ 1-1.5 साल पहले से, लोग गर्व करते हैं कि ये हमारी संस्कृति है। आजकल लोग गर्व करने लगे कि हमारी संस्कृति है, ये हमारा पर्व त्योहार है। लोग गर्व से कहते हैं ये हमारी संस्कृति है, टुसु हमारा है, कर्मा हमारा है, जितिया हमारा है, गर्व से कहते हैं। बिल्कुल। और भाई एक ही चीज जानिए, अपनी तो अपनी होती है, क्योंकि अपने में गर्व छुपा होता है। बिल्कुल भाई, चलिए धन्यवाद दादा एकदम।